Settle down, friends, settle down at the back. Good afternoon, everybody, and welcome to this press briefing. It's my privilege and honor to welcome the Home Minister, Shri Rajnath Singh Ji, and also Home Minister, Honorable Minister for Communications and Information Technology, Shri Ravishankar Prasad Ji. The Honorable Ministers will brief you on the Cabinet decisions today. And after the opening remarks by the Home Minister and followed by the Communication and Information Technology Minister, we will take a few questions, but the questions will be only on relating to Cabinet. So, okay? Now, Honorable Minister, sir. बोलता ही कम हूं. मित्रों, आप सबको जानकारी है कि कल इमरजेंसी के चार की इमरजेंसी स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है. इमरजेंसी के दौरान भारत की आत्मा लोकशाही, लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की गई थी. लेकिन सारे देश में, जनता में एक नई जागरूकता और नई चेतना पैदा करने का काम और सारे देश को एकजुट होकर खड़ा करने में जिसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वह थे स्वर्गीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण. जहां तक लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के जीवन इतिहास का प्रश्न है, हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. एक समाज सुधारक के रूप में भी उन्होंने अपने जीवन में भूमिका निभाई है. और भारत की लोकशाही के प्रति जन सामान्य में जागरूकता पैदा करने में भी उन्होंने कामयाबी हासिल की है. विडंबना यह है, जिस स्थान पर वह पैदा हुए थे, बिहार के सारण जिला, जिसे छपरा भी कहते हैं, उसके सिताब दियारा में लाला का टोला नामक स्थान पर, तो इस विभूति का जैसा गौरवशाली इतिहास रहा है, उसके अनुरूप वहां कोई राष्ट्रीय स्मारक नहीं है. इसलिए आज ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. और यह फैसला किया गया कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर एक नेशनल मेमोरियल बनाया जाएगा. वहीं पर छपरा जिले में सिताब दियारा नामक स्थान पर लाला का टोला, जहां पर उनका जन्म हुआ था, वहीं पर बनेगा. और केवल नेशनल मेमोरियल ही नहीं, बल्कि नेशनल म्यूजियम भी होगा. या उसे आप कह सकते हैं कि एक नेशनल मेमोरियल कॉम्प्लेक्स भी बनेगा वहां. एक मोबाइल एग्जीबिशन भी, उनका जो जीवन इतिहास रहा है और भारत के लिए जो उनका योगदान रहा है, इस पर क्रिएट करने का फैसला आज की कैबिनेट में हुआ है. और उसी थीम पर
एक वर्चुअल म्यूजियम भी बनाने का फैसला हुआ है, जिसे सारे विश्व के लोग आकर देख सकें। एक ऐसा आकर्षक वहां पर वर्चुअल म्यूजियम भी बनाया जाएगा। और वहीं पर एक इंस्टीट्यूट भी स्थापित करने का फैसला हुआ है, और ऐसा इंस्टीट्यूट जिसमें कि कुछ मेजर इश्यूज जैसे डेमोक्रेसी, इस राष्ट्र के निर्माण में पंचायतों का योगदान, गांधीयन थॉट्स, यह सब सारे विषय होंगे जहां पर कि इसकी प्रॉपर स्टडी होगी और इस पर रिसर्च भी होगा। एक एक्सपेरिमेंटल सेंटर भी वहां पर बनाने की बात है, ताकि खादी के प्रति लोगों का कैसे आकर्षण पैदा हो सके, खादी का प्रचार प्रसार कैसे हो, और साथ ही साथ देश के युवकों की रचनात्मक कार्यों के प्रति, कंस्ट्रक्टिव वर्क्स के प्रति रुचि कैसे बढ़े। यह भी फैसला हुआ है कि एक लोकनायक खादी गौरव संवर्धन केंद्र, यह भी वहां पर स्थापित किया जाएगा। जहां की वीमेन क्लस्टर्स के द्वारा खादी के राष्ट्रीय झंडों का निर्माण होगा। आज की कैबिनेट का एक महत्वपूर्ण फैसला था, जिसकी कि मैंने आपको जानकारी दी है, और आज की कैबिनेट के अन्य जो फैसले हैं उस पर श्री रविशंकर जी आपको जानकारी देंगे। जहां तक कास्ट और इनके सब सारी चीजों के संबंध में, डीपीआर तैयार होगी, सब कुछ होगा, जितने धन की आवश्यकता होगी उतना धन सरकार खर्च करने को तैयार है। अब शेष जितने भी आइटम्स हैं उसके संबंध में जानकारी वो दे। मुकेश नारायण जी, मैं एक मिनट, पहली बात है कि मेरे लिए आज स्वयं के लिए बहुत ही भावुक क्षण है, क्योंकि मैं जेपी मूवमेंट का एक सिपाही रहा हूं, आपको मालूम है। और मुकेश नारायण जी, 99 में जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे तो उनको भारत रत्न दिया जा चुका है, और 2002-03 में उनके जो शताब्दी थी उसका भी आयोजन बहुत बड़ा हुआ था, और पटना के चरखा समिति में एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना था। पिछले 10 साल में जेपी आंदोलन से निकले बहुत से सेनापति भारत की राजनीति में मुखर स्थानों पर थे, उन्होंने कुछ इस दिशा में कार्रवाई नहीं किया। आज हमें इस गौरव इस बात का है कि लोकनायक जयप्रकाश को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया, उनकी शताब्दी का वृहत आयोजन हमारी सरकार ने किया, और आज शताब्दियारा में एक बड़ा उनकी छवि, उनके गुणों के अनुरूप एक बड़ा स्मारक बनाने का निर्णय भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। यह बात जानना बहुत जरूरी है कि जो लोग इमरजेंसी के बारे में कुछ बोलते हैं और बाकी नहीं बोलते हैं, 10 साल तक उन्होंने जेपी की सुध कभी नहीं ली, जबकि सबों के स्मारक बनना चाहिए। जेपी का क्यों नहीं बना, यह एक बड़ा विषय है, इसलिए आज यह बताना बहुत जरूरी था। मित्रों, जहां तक बाकी निर्णय का सवाल है, आपके प्रश्नों के पहले कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी मैं दे दूं, बाकी तो आपको प्रिंटेड मिलेगा। ये जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, उसके रिवाइज एस्टीमेट को आज कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है, 81,459 करोड़। ये आपको मालूम है कि 2008 में बना था, उसके बाद कार्रवाई हुई नहीं, भू अर्जन का दाम बढ़ा, बाकी बढ़ा,
तो आज कैबिनेट कमेटी ने इसके रिवाइज एस्टीमेट को अप्रूव किया है। और ये जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न प्रोजेक्ट है, ये गुजरेगा पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात, गुजरात और राजस्थान। बट वी आस्क द क्वेश्चंस लेटर, व्हाई डिडंट 81,459 करोड़, ओरिजिनल एस्टीमेट वाज अबाउट 28,000 करोड़, दैट वाज इन 2007-8, दैट मींस क्लोज टू अबाउट 8 इयर्स अगो। यूपीए गवर्नमेंट ने किया था, बट व्हाट, लेकिन उसके बाद फॉलो अप काम कुछ नहीं हुए थे। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट फ्रेंड्स टुडे इज दैट दिस प्रोजेक्ट विल रिड्यूस यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक्सपेडाइट कमर्शियल एक्टिविटी इन द बेनिफिट पावर हाउसेज, माइंस, पोर्ट, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कंटेनर सेक्टर। तो ये एक बहुत बड़ा आयोजन है जिसका फैसला आज कैबिनेट ने किया, तो ये मुझे आपको बताना था। दूसरा कि जापान और इंडिया के साथ हमने एक कोऑपरेशन किया है एक्शन प्लान के रूप में, जिसमें आईपी प्रोटेक्शन सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस पर इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, पेटेंट कोऑपरेटिव, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी के बारे में चिंता करेंगे और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम आगे बढ़ाएं। इस दिशा में भी जापान के साथ हमने विशेष निर्णय किया है और उसमें अवेयरनेस बिल्डिंग करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, यह एक बहुत बड़ा फैसला हम लोगों ने किया है। दूसरा है कि जापान और साउथ कोरिया की स्टील मिलों के लिए हाई ग्रेड आयरन ओर सप्लाई करने का 3 साल का एक हम लोगों ने एग्रीमेंट किया है, जिसको कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। हाई ग्रेड आयरन ओर अप्रैल 2015 से मार्च 2018 तक के लिए। आपको मालूम है कि इन दोनों देशों के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, पूर्व में भी हम हाई ग्रेड आयरन ओर वहां भेजते रहे हैं, आने वाले 3 वर्षों के लिए हम ये वहां आयरन ओर भेजेंगे। ये मुझे एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देनी थी। आज कैबिनेट ने एक और निर्णय किया है, वित्त मंत्री अरुण जेटली के जो बजट भाषण में 6 IIM खोलने की बात आई थी, आज कैबिनेट ने उसको अपनी सहमति दे दी है। एंड दीज 6 IIMs आर गोइंग टू बी लोकेटेड इन विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, बोधगया बिहार, सिरमौर हिमाचल प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र, संबलपुर उड़ीसा एंड अमृतसर पंजाब। और इनका सेशन 2015-16 से हम शुरू करने जा रहे हैं। जी 15 जुलाई से हम 140 स्टूडेंट्स का इंटेक लेंगे। यस, अभी कई जगह ये टेम्पररी प्रमाइसेस में होगा, सरकारों ने जमीन देने का निर्णय किया है, राज्य सरकारों ने, हम कंस्ट्रक्शन भी करेंगे और इसके लिए पूरे वित्तीय प्रावधान भी किए गए हैं, ये मुझे आपको बताना था। मित्रों, एक और महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, इसके बाद जो आपके सवाल होंगे उसका हम लोग उत्तर देंगे, कि आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन है कानपुर में, एलिम्को। तो वहां पर कई वित्तीय समस्याएं रही हैं, तो आज कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 39.53 करोड़, एक्रूड ऑन द लोन ऑफ 21.82 करोड़, इसको हम, और इनका पेनल इंटरेस्ट था, ये सबको हमने अब इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, इसका डिटेल्स आपको मिलेगा। और जो 31 मार्च 2015 के बाद जो पेनल इंटरेस्ट को वेव करने का फैसला किया है। द सम एंड सब्सटेंस इज द लोन दे हैड टेकन एंड द पेनल्टी दे हैड अर्न ऑल दोज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एग्रीड टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी एंड ऑल द पेनल इंटरेस्ट पोस्ट मार्च 2015 हैज बीन वेव्ड। ये हमारी कोशिश इसलिए है कि एलिम्को देश के जो अपने हमारे शारीरिक रूप से अक्षम लोग हैं,
इनके लिए बहुत बड़ा काम करती है। नो प्रॉफिट नो लॉस की बिना पर उनके लिए इक्विपमेंट्स बने, ट्राईसाइकल्स बने, बाकी बने, इसकी दिशा में बहुत बड़ा काम कर रही है। तो कैबिनेट ने फैसला सुविचारित रूप से किया है कि यह संस्था जो अच्छा काम कर रही है यह काम आगे बढ़ना चाहिए और कोई वित्तीय परेशानी उनको नहीं होनी चाहिए। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण एक अंतिम ब्रीफिंग आज जो हुई है, इस देश में दुनिया में 193 मुल्क हैं और भारत को तो भारत में हुआ ही, एक यमन को छोड़ दें तो दुनिया के 192 मुल्कों में योग का कार्यक्रम हुआ। ये आपको हमको बताना था, वहां हमारी एम्बेसी भी नहीं है यमन में, तो आज एक ये ब्रीफिंग दी गई कि जो योग का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इतना लोकप्रिय हुआ तो दुनिया के 193 देशों में सिर्फ एक यमन को छोड़कर बाकी हर जगह योग का कार्यक्रम बहुत ही सफल सार्थक रहा, जिसको आपने देखा है। अच्छा, आप जैसा माननीय राजनाथ जी से आप सवाल पूछे, आरंभ में उन्होंने कहा कि आज का पूरा कार्यक्रम कैबिनेट की ब्रीफिंग पर है। वन मिनट इंग्लिश पे। टुडे द कैबिनेट वॉज ऑल्सो गिवन ए ब्रीफिंग that the International Yoga Day was celebrated with great enthusiasm all over the world. There are total 193 countries in the world, and except Yemen, yoga was celebrated with great dedication and enthusiasm in around 192 countries of the world. In Yemen, a fight is going on and we don't have an embassy. But what is important is the great initiative started by Shri Narendra Modi ji in the UN address received overwhelming response from all over the world, including by more than 44 Islamic countries. And today, when the occasion came for celebrating it, the entire world celebrated. That's indeed a unique achievement, which we all must be very proud of. Thank you. Nikunj, if it is related to cabinet. I have to ask the Home Minister this. Gृह मंत्री जी, NSCNK को बैन करने के लिए गृह मंत्रालय ने प्रपोजल मूव किया हुआ, वो चर्चा नहीं हुई कैबिनेट में, नहीं आया प्रपोजल? DGPIB ने पहले ही आपको बतलाया कि केवल कैबिनेट से रिलेटेड इश्यूज पर ही। नहीं, आज की कैबिनेट में जो डिसीजन हुए हैं उसी पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया क्वेश्चन पूछें। इसके बाहर जो क्वेश्चन की रिप्लाई देनी होगी तो किसी दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे। मिनट प्रशांत, इफ इट इज कैबिनेट, होल्ड ऑन, इफ यू आर टॉकिंग ऑल टुगेदर वंस हाउ विल वी हियर द क्वेश्चन, वन बाय वन प्लीज। किसके बारे में? CCPA बोल रहे हो? नहीं, CCPA का जो भी फैसला है उसकी जानकारी जो है स्पीकर महोदय को दी जा चुकी है, महोदया को दी जा चुकी है, और साथ ही साथ वह राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा जल्दी ही। आज मैं समझता हूं कि आप सबको उसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। मैं समझता हूं कि ऐसे महापुरुष, ऐसी विभूतियां जिसने कि भारत के लिए, भारतीय समाज के लिए समय समय पर अपना योगदान किया है, उनके कंट्रीब्यूशन को राजनीतिक तराजू पर नहीं तोला जाना चाहिए और इसको राजनीतिक लाभ हानि के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। हेलो, चुनावी जुमला बनकर के नहीं तोड़ा जाएगा? आज तक ऐसा कम से कम हमारी सरकार जो भी डिसीजन करेगी, जो भी डिसीजन लेगी वो पूरा होगा। और मैंने पहले ही आपको बताया कि सारे DPR वगैरह वहां पर भूमि उपलब्ध कराने के लिए हम बिहार सरकार से ये कहेंगे, और DPR वगैरह भी सब कुछ तैयार होने के बाद सीधे अपना काम प्रारंभ होगा। इसमें पैसे की कमी किसी भी सूरत में नहीं आने दी जाएगी। अब सारी प्लानिंग इसके इस संबंध में हो रही है और एक विस्तृत योजना तैयार हो रही है। वर्चुअल म्यूजियम कैसा होगा, एक आकर्षक म्यूजियम बनाने की एक योजना है उसी स्थान पर, उनके जन्म स्थान पर ही, और ताकि सारी दुनिया के कोने कोने से आने वाले लोग भी
लोगों के लिए वो एक आकर्षण का केंद्र बने। देखिए वैसे तो वैसे तो पटना भी है, पटना को भी नहीं भूल सकते, बिहार को नहीं भूल सकते, लेकिन उनका जो जन्म स्थान है उसी जन्म स्थान को ही हम लोगों ने चुना है एक नेशनल मेमोरियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। राजनाथ सिंह जी, कैबिनेट से जुड़ा एक मामला है, आपकी एक और कैबिनेट सहयोगी स्मृति ईरानी जी का इस्तीफा कांग्रेस ने अभी मांगा, क्योंकि सर सीनियर मिनिस्टर, सर वन पॉलिटिकल क्वेश्चन सर, आई मीन ही कुड आंसर सर, बेसिकली कोर्ट हैज फाउंड स्मृति ईरानी टू बी कॉम्प्लिसिट इन दिस फेक डिग्री इसका। सर देयर इज अनदर थिंग इमर्जिंग फ्रॉम महाराष्ट्र सर, अबाउट पंकजा मुंडे सर, सर कुछ बोलना चाह रहे हैं सर, प्लीज बोल लीजिए। मैंने कुछ कुछ नहीं बोला। कोर्ट हैज टेकन कॉग्निशंस ऑफ फेक डिग्रीज का। आप लोग कैबिनेट आइटम्स के बजाय कैबिनेट मेंबर्स पर जा रहे हैं। सेशतरायन जी, खाली आपको एक जानकारी दे दें कि संसद परिसर में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आदमकद प्रतिमा भी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय लगी थी। मुझे एक सवाल है ना, रामलीला मैदान का जो फंक्शन था और जो यहाँ पर बोट क्लब के जो फंक्शन थे, जो हिस्टोरिक, तो ये जो वर्चुअल म्यूजियम बनेगा उसमें इन सबों की सब आएगा, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। शेषनाथ जी एक सवाल है, राजनाथ जी अभी जयप्रकाश नारायण के बारे में आपने बताया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जयप्रकाश नारायण की जितनी राइटिंग्स है वो हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, जेपी की रचनावली पूरी बिमला प्रसाद ने एडिट की है, 10 वॉल्यूम में छपी है, वो सब अंग्रेजी में है, हिंदी में उनकी सारी रचनाएं एक जगह एकत्रित नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूँ क्या वो जेपी के जो कलेक्टेड वर्स है उसका कोई हिंदी ट्रांसलेशन उपलब्ध होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें जो जेपी के कलेक्टेड वर्स में वो इधर उधर है नहीं कहीं। वो केवल हिंदी में ही ट्रांसलेशन नहीं होगा, बल्कि हमें देखेंगे जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं अधिक से अधिक भारतीय भाषाओं में उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनका जो एक जीवन दर्शन है, जो उनकी लाइफ की फिलॉसफी है, उसका प्रॉपर ट्रांसलेशन हो सके। सर माय क्वेश्चन इज टू प्रसाद, सपना फ्रॉम सीएनबीसी टीवी 18। सर देयर वाज आल्सो एन एक्सपेक्टेशन दैट द कैबिनेट टुडे विल अप्रूव इंडियाज मेंबरशिप टू द चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। Apparently, the finance minister will be signing the agreement on 29 June. So, was it taken up? Well, whenever we take a call, it will be conveyed to you. Yes. That's also on the bulk drug policy. Did the bulk drug policy also find a place? Whatever has been decided, I convey it to you. Yes. I only wish to tell you. Today's was not the last cabinet meeting of this government. Sir, Rajnath ji, आपने CCPA में अभी तय किया कि सरकार सेशन करेगी, लेकिन कांग्रेस का कहना है सेशन नहीं चलने दे। क्या आप अपील करेंगे कि सेशन चलने दे, क्योंकि उनको तीन तीन मंत्रियों के इस्तीफे चाहिए। सर राजनाथ सिंह जी, सर सर जस्ट नहीं, इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। राजनाथ सिंह जी हियर सर, और एक मिनट हम ऐड कर दें और ऐड कर दें कि हमारे जो मंत्री जो उनके मंत्री करते थे वो करते भी नहीं है, ये भी जान लीजिए। धन्यवाद। राजनाथ सिंह जी, व्हाट इज द होम मिनिस्ट्री स्टांस ऑन सन टीवी सिक्योरिटी क्लियरेंस? आई थिंक लेट्स क्लोज दिस। आई थिंक थैंक यू वेरी मच। थैंक यू चाइना वाला बहुत अमाउंट 29 तारीख को साइन बिहार